दुनिया के सदृश था पहले, लेकिन मसीह के स्वभाव, मसीह का मनसा को हमारे अंदर दे दिया। हमारे अंदर मसीह का मनसा है करके पहला करंथी में दूसरा अध्याय में लिख रहे, हमारे अंदर उनका विचार को, उनका इच्छा को हमारे अंदर डाल दिया। यही सही मनसा, साउंड माइंड, सही सोचने के आपके पास ताकत है, सही विचार है। इसलिए हम घड़ों को गिराते हैं, प्रभु के विरोध में आने वाले हर एक ऊंचे ऊंचे बातों को खंडन करके, कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर उसके लिए आत्मा की तलवार है, सही ज्ञान है, सही वचन है। परमेश्वर की आत्मा हमें सिखाता है, हमें गड़बड़ी का आत्मा नहीं दिया, हमें डर के आत्मा नहीं दिया, हमें कन्फ्यूशन का आत्मा नहीं दिया, क्लियर माइंड है। आज मेरे प्रभु के भाई बहन बच्चे लोग, आपके लिए कोई निर्णय लेने के लिए आप इधर उधर तड़पने का नहीं। पुराने नियम में परमेश्वर इसराइल जनता के लिए बोल रहे हैं, तुम लोग लकड़ा से सलाह मांग रहे हो, यू आर टेकिंग काउंसल फ्रॉम द वुड, मतलब लकड़ा से बना हुए ईश्वरों के पास जाके वो लोग सलाह मांगने के लिए उनके नबियों के पास पैसा लेकर जा रहे थे। परमेश्वर बोलते, मैं आपको सलाह कर, मैं आपको दे सकता हूँ, मैं आपको ज्ञान सिखा सकता हूँ, सब चीज़ों को बनाएं। ऐसा 11 में लिख रहे हैं, यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा की बाई का आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है, ईसाई के जड़ से एक पत्ता उगेगी, उसके अंदर यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति की आत्मा, पराक्रम की आत्मा, पवित्र आत्मा पाए हुए हर भाई बहन बच्चे लोग, आपके अंदर पहले से ज्ञान की आत्मा है। आप अनज्ञानी नहीं हैं, आप अनजान नहीं हैं, आप बेवकूफ नहीं हैं। आपके बारे में सही विचार आपको आना चाहिए। वही आत्मा जो नाप नाप कर नहीं दिया यीशु मसीह को, वही आत्मा तीतुस दिन में देख रहे हैं, बहुत आज से उंडेला। यीशु मसीह के अंदर ज्ञान और युक्ति, बुद्धि सब लेके दिया, वही आज हमारे अंदर ज्ञान सिखाएगा।